बर्थ प्लेस है अलवर, राजस्थान। मेरे फादर राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, इसलिए मेरी जो शिक्षा हुई है वो राजस्थान में हुई है। मैंने यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से इकोनॉमिक्स में एमए किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज में मैंने एग्जाम लिखा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बड़े लोगों के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। 1976 में मैंने 12th किया था, जिसमें मेरी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में 11th पोजीशन आई थी। लेकिन इस सब के लिए पारिवारिक मूल्य जो होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। अगर मेरे परिवार ने, अगर मेरे माता पिता ने मुझे मेरे भाइयों के समकक्ष नहीं समझा होता, या उन्होंने मेरे साथ एक लड़की होने की वजह से कोई भेदभाव किया होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। लेकिन कुछ हमारे पारिवारिक मूल्य ऐसे रहे कि कभी भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि कौन लड़का है या कौन लड़की। मेरे दोनों दो भाई हैं और दोनों और मैं, हम लोग बराबर से शिक्षित हैं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। दूसरा, जब तक मैंने एजुकेशन प्राप्त की, उस समय, अब वो 76 और 79 काफ़ी पुराना टाइम हो गया, उस समय इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं होती थी एजुकेशन में, कम होती थी। अभी तो हर लड़की को पूरा अवसर प्राप्त है, आप भी अपने परिवार में हर लड़की को बराबर का दर्जा दे रही हैं। तो हम लोगों को थोड़ी शिक्षा लेने में प्रॉब्लम ये आई कि मेरे फादर की पोस्टिंग, जब मैं 12th में थी, तो राजस्थान में ये छोटी सी जगह है झालावाड़, कोटा के पास एक जगह है झालावाड़, वहाँ लड़कियों का 10th तक का ही स्कूल था। तो 11th और 12th करने हमें लड़कों के स्कूल में जाना पड़ता था। तो वो कोएड स्कूल नहीं था, वो लड़कों का था, और कोई प्राइवेट स्कूल्स तो उस समय में होते नहीं थे, वो गवर्नमेंट स्कूल ही था। अब लड़कों के लिए हम लोग बड़े एक अजनबी से हो जाते थे कि हर एक 10th का लड़का ये सोचता था कि अब 11th में यहाँ पर गर्ल्स स्कूल से कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो हमारे स्वागत की बड़ी तैयारी रहती थी वहाँ पर। और 10th करने के बाद, क्योंकि उस टाइम में इतनी एजुकेशन नहीं थी लड़कियों की और झालावाड़ छोटी जगह थी, तो कुछ ही लड़कियां जो है वो उस स्कूल में जाती थी। ज़्यादातर लड़कियां प्राइवेट करती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको लड़कों के स्कूल में जाना अलाउ नहीं करते थे। तो हम लोग 3 लड़कियां थे कुल उस स्कूल में, 11th और 12th में कुल 3 लड़कियां, जहां पर 350 लड़के, उसके बीच में हम 3 लड़कियां। हमारी क्लास में करीब 50 या 60 लड़के होते थे, तो उन्होंने हमको 2 कुर्सियां दे दी, टेबल और चेयर लगती थी, तो टीचर ने कहा तो उन्होंने आगे 2 कुर्सियां हमको दे दी। हम लोग पहले दिन जब क्लास में पहुंचे, तीनों उस कुर्सी पर बैठे, तो पता चला कि एक कुर्सी की एक टांग टूटी हुई है, तो अब गिर ना जाए इसलिए हम तीनों ने आपस में इशारा किया और बस बैलेंस करके किसी तरह से बैठे रहे पूरे सेशन में, कि अगर यहाँ गिरेंगे तो ये सब लोग हंसेंगे। तो इस तरह की हम लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी। उस समय हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग खड़े होकर के ये कहें कि हमें तीसरी कुर्सी चाहिए और आपने इसकी, ये टूटी कुर्सी हमें क्यों दी है। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि आज की अगर किसी लड़की के साथ जो 11th 12th में पढ़ती होगी, वो खड़े होकर के ये कहने का दम रखती है कि मुझे बराबर से कुर्सी चाहिए। ये टाइम की वजह से है, ये हम लोगों की सोच में परिवर्तन की वजह से है। तो ये हमारे साथ 11th 12th में होता था। उसके बाद सिटी, जब मैं कॉलेज में आई तो कोटा में मैं पढ़ती थी, सिटी बस से जाना होता था। अब सिटी बस में तो जो जिस तरह की भीड़ होती है, और पहले तो और भी होती थी, इतने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी नहीं थे, तो किसी तरह से धक्का मुक्की करते हुए, हम भी तब भी 4-5 लड़कियां थे जो एक पर्टिकुलर स्टॉप से चढ़ते थे, खैर पहुंच जाते थे। बाय चांस वो लड़कियों का कॉलेज था, अप टू वो ग्रेजुएशन तक ही था। उसके बाद क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में 6th पोजीशन थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया। वहाँ पर फिर टोटली डिफरेंट था, वहाँ पर कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हर कोर्स में लड़कियाँ थीं, बराबर से लड़कियाँ थीं, रिसर्च स्कॉलर्स थीं, प्रोफेसर्स थीं, तो इसलिए वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। होता क्या था कि छोटे शहरों में क्योंकि अवेयरनेस कम होती थी, अभी भी कम है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन उसमें यही है कि आप अपना जो जो समय आपको दे रहा है उसको लेते चलिए, उसमें अपने आप को एडजस्ट करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो ये तो रहा, जो भी कार्यकाल रहा, उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें तो काफ़ी लड़कियां थी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में हम लोगों के बैच में अराउंड 80 बॉयज़ थे एंड 11 गर्ल्स थे हम लोग, तो भी उसमें भी रेशियो 1:8 था। लेकिन धीरे धीरे अभी मैं देख रही हूँ कि ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, 30% 25% लड़कियाँ आ रही हैं और बाकी लड़के लोग आ रहे हैं। जब फर्स्ट जॉब मैंने ज्वाइन की, फर्स्ट टाइम जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो दैट वाज इन कानपुर एंड 85 में, तो
ऑफिस में उस समय ऑफिसर्स बहुत कम होती थी, इवन स्टाफ में भी लेडीज बहुत कम होती थी। पूरे कानपुर शहर में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मैं अकेली लेडी ऑफिसर थी। तो ऑफिस में जूनियर मोस्ट आप हैं और अकेले हैं, तो किससे आप बात करेंगी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। स्टाफ में जो लेडीज होती थी उनको एक एप्रिहेंशन रहता था कि नहीं इनसे कैसे बात करें, एक तो सबसे आप यंगेस्ट हो एज में, और फिर उनको लगता था कि शायद ये ऑफिसर हैं तो हमसे बात नहीं करेंगी। लेकिन धीरे धीरे वॉइस ब्रेकिंग हुई, धीरे धीरे और लेडी ऑफिसर्स शामिल हुई, तो वो काम होता गया। जो मेरे फर्स्ट बॉस थे उनको लगा कि लेडी ऑफिसर है शायद, पता नहीं जितनी उम्मीद है उतना कर पाएगी या नहीं। तो इसमें मेरे को आपसे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि एक ये इनर्शिया होता है, उसमें जनरल टेंडेंसी है, या मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ये हमारी सोसाइटी की टेंडेंसी है कि सब ये सोचते हैं जब एक कोई लेडी बराबर के प्लेटफॉर्म पर आती है कि शायद ये उतना नहीं दे पाएगी जितना एक जेंटलमैन दे सकता था। तो इसलिए अगर आपको छलांग लगानी है 50 मीटर के लिए, अगर आपके पास आपका वो है टारगेट, तो आपको एटलीस्ट 75% लगा, 75 मीटर लगानी पड़ेगी, तब आप 50 माने जाओगे। और अगर जेंट्स 40 भी लगाएंगे तो वो 50 मान लिए जाएंगे। इट इज अ फैक्ट। इसमें मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत फेयरली आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों को पहली छलांग 75 लगानी पड़ेगी तो हम 50 माने जाएंगे, और अगर जो हमारे काउंटर पार्ट है वो 40 भी लगाएंगे तो वो 50 माने जाएंगे। लेकिन जब एक बार आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, देन आपको पीछे देखने का कोई वजह नहीं है। वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड कि आप में इंटीग्रिटी है, आप में ऑनेस्टी है, आप में काम करने की क्षमता है और आप बराबर से काम कर सकती हैं, फिर कहीं कोई आपको कभी नहीं टोकेगा। पूरी जितने भी टाइम का आपका करियर है उसमें आपको बराबरी से काम मिलता रहेगा। कुछ मेरी काम की वजह से या लक की वजह से मेरा जो अभी तक का करियर है उसमें 80% के करीब का करियर मेरा हमेशा, जिसको हम लोगों के यहाँ कहा जाता है हॉट सीट, उसी पर बीता है, जिसको कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट कहते हैं। 80% मेरा जो करियर है वो उसी में बीता है। एवरी टाइम आई वॉज ऑन माई टोज, चाहे मेरा बेटा छोटा था या कुछ भी था, तो भी बिल्कुल मेरे को, मतलब 24 आवर्स बिल्कुल आप उसके लिए अलर्ट हो। एनी वे आई कुड डू दैट, दैट्स वाई टूडे आई एम होल्डिंग दिस चार्ज ऑफ AP तेलंगाना एंड उड़ीसा, एंड उसके लिए मैं सोसाइटी का, समाज का, अपने परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, तो ये क्या है महिला सशक्तिकरण? ये और कुछ नहीं है, ये है कि महिलाओं को स्वतंत्रता देना कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, और उनको अवसर देना कि वो इतनी क्षमता अपने आप में पैदा कर सके कि वो अपने निर्णय ले पाएंगी। जनरली क्या होता है कि हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम ये करें नहीं करें। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारे में ये क्षमता आती है कि हम निर्णय ले पाते हैं, उसका प्लस और माइनस उसको असेस कर पाते हैं। तो इसलिए एक क्षमता किस तरीके से महिलाओं में डेवलप की जाए, उसे ही हम लोग महिला सशक्तिकरण कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। अगर हिस्ट्री देखी जाए, जैसे कि श्रीनिवास साहब ने भी बताया कि क्यों ये महिला दिवस मनाना शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री 1909 से शुरू हुई, 1909 से। हम लोग ये सोचते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद लेडीज को बहुत अधिकार हैं, विमेन के को बहुत राइट है, नहीं, वहां पर उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, जो कि हमें, हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम वोट देंगे, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 1909 से ये शुरू हुआ, कामकाजी महिलाओं ने स्ट्राइक की, तब सब लोग एक समूह में आए और ये हुआ कि नहीं, महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। तब से ये महिला दिवस हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। हर जगह अपने अपने देशों में मनाता था, लेकिन UNO ने 1975 से इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया, और 75 जो था 1975 वो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ही मनाया गया था। हमारे देश में अगर आप लोगों ने, सबने पढ़ा ही होगा, यहाँ पर मैं जिन लोगों से सम्मुख हूँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, गार्गी और मैत्रेयी, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, नोबल लॉरेट थी उन लोगों ने। वो किस जमाने में थी, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये इसी से आकलन किया जा सकता है कि वो कितनी आगे बढ़ी हुई थी, वो पुरुषों के समकक्ष थी। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में महिलाओं का थोड़ा डाउनफॉल हुआ? उसके लिए मैं देखती हूं कि जो मुस्लिम शासक हमारे देश में आए, उस समय एक हमारा जो पुरुष वर्ग था, हमारा जो समाज था,
उसमें एक ये भय हुआ कि हमारी महिलाएं, हमारी लेडीज जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए बाल विवाह शुरू हुआ कि अगर लड़की का जल्दी विवाह कर दिया जाएगा तो वो जो आज की सोसाइटी हो गई है उसकी नजरों में नहीं आएगी। तो ये जो समकालीन जो हम लोगों का इतिहास चला उसकी वजह से ये चीजें हमारे यहाँ हुई, बाल विवाह हुआ, इसीलिए पुनर्विवाह नहीं हुआ कि अब बाल विवाह हुआ है तो आपको पता, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि किसका लाइफ कितना है, तो ये सब कुरीतियां चलती गई। उसी से बाल विवाह से जुड़ गया डाउरी का जुड़ गया, तो ये सब जो हमारे देश में इन्वेजन्स हुए तरह तरह के उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। और टू गिव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द वीमेन फॉक, हमारी सोसाइटी ने उसका ये रास्ता दिया। जब बाल विवाह हो गया तो उसके बाद लड़कियों के लिए पढ़ने की सुविधाएं नहीं रही, वो एक दूसरे परिवार में चली गई, उनको दूसरी तरीके का काम दे दिया गया। जब ब्रिटिशर्स आए तो भी उनका ये था कि भाई जितना जो चल रहा है वही चलने दिया जाए, क्योंकि उनका तो मंतव्य दूसरा था कि किसी तरीके से उनको शासन करना है। लेकिन आप लोगों ने नाम ही सुना होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर, डॉक्टर राम मोहन रॉय, विनोबा भावे, इन लोगों ने सती प्रथा और लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, बाल विवाह को रोकने के लिए इन लोगों ने काम किया। तो उसका ये परिणाम है कि आज हम लोग अगर करना चाहें तो हर काम बराबरी से कर सकते हैं। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें पूरी बराबरी है, कहीं कोई ये नहीं है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार हैं और महिलाओं को कम है, बल्कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो कानून है, वो महिलाओं के पक्ष में है। एक वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करती है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि हमें सुविधाएं नहीं हैं, हमें पूरी सुविधाएं हैं। बल्कि आजकल जो मैं देख रही हूँ, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह आती हैं और MBA स्टूडेंट्स वगैरह का इंटरव्यू लेती हैं, उनको लड़कियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लड़कियों का ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। उसकी वजह है क्योंकि कंपनी, सब लोग जानते हैं कि लड़कियों में सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा होती हैं, वो किस तरीके से एक गिवन सर्कमस्टांसिस में रिएक्ट करेंगी वो डिफरेंट होता है। ऑफिस मैनेजमेंट में मैं खुद ही अपने ऑफिस में भी देखती हूँ कि मेरे काउंटर पार्ट्स को, स्टाफ को हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मेरा बहुत अच्छे से काम चलता है, बिकॉज हम लोग हमेशा डांट डपट भी नहीं करते, उनकी तकलीफ़ों को भी समझते हैं कि भाई इनकी क्या तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी उन तकलीफ़ों से निकले होते हैं। जब हम लोग यंग होते हैं, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, घर में ओल्ड एज के पेरेंट्स इन लॉज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमें पता होता है कि किसकी क्या तकलीफ है। दूसरा, एक जो चीज़ मैंने देखी कि जैसे हम लोग सीनियर स्टेज पर पहुँचते हैं कि हम लोग उस तरीके का हंसी मजाक या उस तरह से बात नहीं करते कि जिस तरह से कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, तो स्टाफ और आपके बीच में एक अलग तरह का व्यवहार रहता है। जेंट्स का मैंने देखा है कि भाई वो डांट भी देते हैं जोर से, तो फिर कभी बुला के उनसे मजाक करके भी बात कर लेते हैं, तो उनकी एक रिलेशनशिप डिफरेंट होती है। अगर हम उस तरीके से व्यवहार करेंगे तो हम लोग वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। एक दूसरा, महिला सशक्तिकरण में जो जनरली लड़कियों की या लेडीज की फीलिंग होती है कि हम बराबर क्यों नहीं हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, नहीं हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मर्यादाएं हैं उनमें रह के करो, तो आप जो भी करोगे वो उसकी ज्यादा कीमत मानी जाएगी, उसकी ज्यादा वक्त होगी। अपनी मर्यादा अपने आप समझो कि हमारी क्या मर्यादा है क्या मर्यादा नहीं है। अगर हमारे किसी काम की वजह से समाज में कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराएंगे ना, दूसरे ही जने को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अपनी मर्यादा में रह करके काम करिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो टचवुड आज तक कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, मैं चाहे अकेली जाऊं या कुछ भी करूं। मेरे फादर ने भाइयों के समान मुझे शिक्षा दी और भाइयों के समान ही मेरे से व्यवहार किया। वो मुझे उस जमाने में रात शाम को 7 बजे 8 बजे भी मार्केट भेज देते थे कि ये दवाई लेकर के आनी है, तो अगर मेरा लड़का जा सकता है तो लड़की क्यों नहीं जा सकती। तो क्योंकि उनको भी पता था कि इनकी क्या, ये किस मर्यादा में रह करके काम करते हैं, और जब तक हम निकल करके सीखेंगे नहीं हम समाज को समझ नहीं पाएंगे। तो इससे मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी मर्यादाओं में रह करके अपनी क्षमता को आंकिए, क्षमता के हिसाब से उड़ान भरिए, आकाश बहुत बड़ा है, जहां भी आप जाएंगी आपका स्वागत है, और जितनी भी लंबी आप उड़ान भरना चाहेंगी आप उड़ान भर। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी देश की तरक्की का आकलन
वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है उससे हो सकता है। आज हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है, जैसा कि मैडम भगवती जी ने कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से बदनामी होती है, तो वो हमारी महिलाओं की स्थिति वास्तव में नहीं है। हम लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि 3.5 साल मैं डेपुटेशन पर थी। साउथ अफ्रीका के पास एक देश है बोट्सवाना करके, उसमें मैं 3.5 साल डेपुटेशन पर थी। वहाँ पर आज भी जो महिलाओं की स्थिति है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही इंडिया में ही ऐसी स्थिति है। अगर किसी परिवार में कोई फंक्शन हो रहा है तो महिलाएं चेयर पे नहीं बैठ सकती, वो जमीन पर बैठेंगी और पुरुष वर्ग चेयर पर बैठेगा। चाहे उस लेडी को कितनी भी प्रॉब्लम है, वो उनके लिए वो फ्लोर पर बैठती हैं और जेंट्स कुर्सी पर। दूसरा, हमारे यहाँ एक ये है कि अगर कोई लेडी आती है और कुर्सी खाली नहीं है तो जेंट्स उसको कुर्सी ऑफर करते हैं। ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इवन फैमिलीज में भी होता है कि पहले लेडी को बैठने के लिए कुर्सी दी जाती है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अगर लेडीज बैठी हैं, कोई जेंट्स आते हैं तो लेडीज को कुर्सी खाली करनी होती है। तो ये कभी मत समझिए कि इंडिया में भेदभाव है, और जगह और तरह के भेदभाव हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। इवन ऑफिस में जैसे हम लोगों के यहाँ मीटिंग्स होती हैं तो उसमें चाय सर्व होती है, तो कोई जना किसी लेडी को नहीं कहता है जो लेडी ऑफिसर है कि तुम चाय सर्व करो, बल्कि लेडी ऑफिसर को पहले सर्व की जाती है। और वहाँ बोट्सवाना में मैंने ये देखा है कि हम लोगों की मीटिंग्स होती थी जिसमें लेडी ऑफिसर्स भी होती थी, देवर सपोज टू सर्व द टी। तो ये जो एक सम्मान की बात है, हमारे देश में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो शायद और देशों में है सम्मान, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से है। वहाँ पर ये जो 2-3 चीज़ें मैंने डे टू डे लाइफ में नोटिस की, उससे मुझे लगा कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। कम से कम एक तरह से जिस तरीके से हम किसी के एंटर होने पर, किसी के साथ बातचीत करने में जो उसको सम्मान देते हैं, वहां मुझे वो सम्मान समझ में नहीं आया। दूसरा, अभी हम लोगों की जो देश की स्थिति है, आज आप देखेंगी कि हम लोग महिला दिवस की बात करते हैं या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लोग अपने आप में बहुत एक अच्छी स्थिति में हैं। हम लोगों को परिवार और समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें महिला सशक्तिकरण की बात उन लोगों के लिए करनी है जिन लोगों को ये पता ही नहीं है, जिन महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि कोई महिला दिवस भी होता है, जिन महिलाओं को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जो अभी भी गाँव में है, देहातों में है, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, अपने प्रति होने वाले व्यवहार के बारे में नहीं पता है, उन तक ये बात पहुँचानी है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, वही हमारा महिला सशक्तिकरण। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर कहीं पर जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जो हैं वो किसी कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई हैं। उन्होंने अपनी ड्रेस के ऊपर एक पुरुष वाली कमीज पहनी हुई। जनरली आप लोग भी ये नोटिस करिएगा कि जब भी आप देखेंगी कोई वुमेन लेबरर को, तो वो एक उसके ऊपर जेंट्स वाली कमीज पहनती है। वो क्यों पहनती है, कभी आपने ये सोचा? कभी कई बार हम लोग ये सोचते थे कि शायद उनके कपड़े गंदे नहीं हो इसलिए वो एक कमीज पहन लेती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये प्रदर्शित करती है कि हम पुरुष से कम नहीं है, इसलिए वो उसको करने के लिए हमेशा, आप जब भी देखेंगी जो विमेन लेबरर हैं वो एक कमीज पहनती हैं अपनी ड्रेस के ऊपर। आप कभी भी उनसे भी पूछिए कि आपने ये कमीज क्यों पहनी है, वो यही बताएंगी।